लंबे समय से प्रेमचंद गुड्डू को लेकर चल रही अटकलों पर रविवार को विराम लग गया। औपचारिक रूप से उन्होंने अपने बेटे अजीत बोरासी के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान गुड्डू ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा से कांग्रेस में आने के लिए सिंधिया को कारण बताया है। गुड्डू के अनुसार सिंधिया जी लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे क्योंकि सिंधिया परिवार की गद्दारी पर वे खुलकर बोलते रहे हैं। और ऐसे कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से आपको पार्टी को छोड़ना पड़ा? सिंधिया जी लगातार मुझे प्रताड़ित करते रहे, ज्योतिराव सिंधिया, और पार्टी के अंदर भी रह के जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण इंदौर में ज्योति वसुंधरा राजे सिंधिया करने आई थी, उस टाइम पे भी मैंने विरोध किया था। तमाम सारे फ्रीडम फाइटर हमारे साथ थे कि हम माफ़ी मांगो, यदि आपने कुछ गलती कर दी है, अपने पूर्वजों ने गलती कर दी है। हम ये नहीं, इसका विरोध नहीं कर रहे थे कि मूर्ति का अनावरण नहीं करें, लेकिन अपने पूर्वजों की गलती सुधारो, आप लोग माफ़ी मांगो। उसके बाद लगातार जब सिंधिया जी पार्टी के अध्यक्ष बने, सांसद बने, तो उसके बाद मुझे लगातार उनकी प्रतिताड़ना झेलती रही। व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को बोले कि आप ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने उनसे उस समय बोला था कि यदि अपने पूर्वजों ने कोई गलती कर दी है, उस गलती को आप सुधारो। भी दावेदारी नहीं है, विस्तारवादी ताकतों को रोकने का काम हम करेंगे। वहीं सिंधिया समर्थक व मंत्री तुलसी सिलावट ने गुड्डू पर पलटवार किया और कहा कि गुड्डू को सिंधिया जी पर टिप्पणी करने के लिए दूसरा जन्म लेना होगा। मैं गुड्डू का नाम तक लेना पसंद नहीं करता, पसंद भी नहीं करता हूँ। उनकी इतनी वो भी नहीं है कि हैसियत की उनके संबंध में प्रतिक्रिया दें, इतनी स्पष्ट बात कर रहा हूँ। उनकी इतनी वो भी नहीं है कि उनके लिए वो बोले, उस दिन उनको अभी वर्षों लग जाएंगे, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा सिंधिया जी पे प्रतिक्रिया व्यक्त करने के, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। बता दें कि सिलावट ने सिंधिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और वफादारी के चलते पूर्व में मंत्री पद और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। वे सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और प्रेमचंद गुड्डू की सिंधिया पर टिप्पणी पर पलटवार किया है। वहीं सांवेर सीट पर होने वाले उपचुनाव में मंत्री तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू आमने सामने हो सकते हैं। दोनों ने ही सांवेर का प्रतिनिधित्व कर रखा है और फिलहाल गुड्डू के लिए सांवेर की राह आसान नहीं है, क्योंकि सांवेर विधानसभा में असर रखने वाले कांग्रेसी नेता दिलीप चौधरी भी मंत्री तुलसी सिलावट के साथ भाजपा में जा चुके हैं। ऐसे में गुड्डू चुनाव लड़ते हैं तो सांवेर विधानसभा को जीतने के लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा।